दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने बिजली के क्षेत्र के अंदर जो कार्य किए उसके बारे में आप लोगों को पता है। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से वादा किया था कि बिजली के रेट बहुत कम है, उसको कम किया जाएगा। तब लोगों को इससे विश्वास नहीं हुआ था और हमारी सरकार बनी तो तुरंत बिजली के रेटों को आधा किया गया। और तब से लेकर उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि बिजली के रेट सिर्फ आधे किए गए, सिर्फ आधे नहीं किए गए, पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़ने लगे। उससे पहले का ट्रेंड अगर आप देखेंगे उससे पिछले हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। अभी मैं आपको डाटा भी शेयर करूंगा। उससे पिछले 5 साल में अगर देखें तो लगभग 50% से लेकर 100% तक रेट बढ़े थे बिजली के 5 साल के अंदर। अब बाद वाले 5 साल में रेट कम हो गए हैं, बढ़े नहीं हैं। आज दिल्ली के अंदर या 400 यूनिट का जो बिजली का बिल आता है 1170 रुपये है, वही बिल बॉम्बे के अंदर 4000 रुपये आता है। हम मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, वहाँ से काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पे बिजली का दिल्ली से भी कम होनी चाहिए रेट, वहाँ पर 3000 रुपये का बिल आता है। तो दिल्ली के अंदर जो बिजली के रेट हैं इस टाइम देश के अंदर सबसे ज़्यादा कम रेट किए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बिजली के रेट कम करेंगे तो काफ़ी बीजेपी वाले खासतौर से और कांग्रेस वाले लोग कहा करते थे कि भाई रेट कुछ भी हो जाए बिजली आनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली को एक ये गाँव जैसा बना देंगे बिजली आएगी नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बिजली तो अभी भी नहीं आती क्योंकि जाती नहीं है, तो जाती नहीं तो आएगी कहाँ से। 24 घंटे बिजली यहीं रहती है, ना कहीं आती ना कहीं जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो बिजली की उपलब्धता है हिस्टोरिकली आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। उससे पहले दिल्ली के अंदर कटौतियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े कटिया लगा करते थे, वो हमने करके दिखाया। साथ ही साथ आप याद करके देखिएगा 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले तक भी किसी भी मार्केट के अंदर शाम के टाइम आप जाते थे तो वहाँ पर लाल रंग के छोटे छोटे जनरेटर हर दुकान के सामने रखे होते थे, हर दुकान के सामने, और वो होंडा के शायद तब होते थे, वो लाल लाल करके घुरघुर घुरघुर करते रहते थे। इतना धुआं, घर मुँह पर रुमाल लिख के जलाना पड़ता था। आज वो सीन ही खत्म हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको इस तरह का सीन नहीं मिलेगा, ये जनरेटर ख़त्म हो गए। और दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये रिसर्च पेपर छपा है उसमें बताया गया कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम होने के लिए बहुत बड़ा योगदान मिला कि दिल्ली के जनरेटर्स का काम कम हो गया, खत्म हो गया था, बिजली आने लगी, जनरेटर चलते नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने बिजली के क्षेत्र में जो काम करके दिखाया उसके बारे में बाकी पार्टियों को भी और सरकारों को भी आश्चर्य होता है ऐसा क्यों किया। उसका कारण ये सिंपल सा यही है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली का रेट 1 रुपये यूनिट है और 2013-14 के अंदर ये 3 रुपये 90 पैसे था। 201 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक 2 रुपये 50 पैसे यूनिट है जो कि 2013-14 के अंदर 5 रुपये 80 पैसे था, मतलब आपका 60% कम, 70% कम हो गया। 401 यूनिट से लेकर 800 यूनिट तक का रेट आज 6 रुपये 80 पैसे है। आज से 5-6 साल पहले 2013-14 के अंदर 6 रुपये 50 पैसे था, लगभग सेम है। और 800 यूनिट से ज़्यादा 2013-14 में भी 7 रुपये था, आज भी 7 रुपये। तो मतलब ये दिल्ली के अंदर एक ऐसा कार्य करके दिखाया दिल्ली सरकार ने। मैं आपको बताना चाहूँ उसके पहले अगर 5 साल देखें, उससे पहले 5 साल में जैसे 200 यूनिट तक का रेट था 2 रुपये 45 पैसे और 200 से 400 तक था 2 रुपये 45 पैसे। तो 2 रुपये 45 वाला रेट 3 रुपये 90 पैसे और 5 रुपये 80 पैसे में दोगुने से भी ज़्यादा हुआ। पहले 5 साल में हमारी सरकार बनने से पहले 5 साल में बिजली के रेट 2 गुने तक बढ़े और हमारी सरकार बनने के बाद या तो सेम रहे या आधे हुए। तो ये हमने ऐसा करके दिखाया है और मैं चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो हुआ कि अब मैं पूरे देश की सरकार इसको कॉपी करें। अभी तक तो ट्रेंड ये है कि जहाँ भी कोई नई सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो बिजली के रेट बढ़ाने का करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले बिजली के रेट बढ़ाए गए। एक अकेली सरकार है जिसने सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के रेट कम किए।